नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ातरीन खबरों की। गुना, आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुना जिले में 75 लोगों के समूह द्वारा 75 झंडे लेकर 75 पौधारोपण कर 75 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की गई, जिसका पुष्प वर्षा एवं माल्यार्पण कर ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस साइकिल यात्रा को 7 अगस्त प्रातः 6 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के केदारनाथ धाम के लिए विदा किया गया। यात्रा के लिए कलेक्ट्रेट में प्रतिभागियों का पंजीयन कर कलेक्टर फ्रैंक नोबल एवं पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव व अपर कलेक्टर आदित्य सिंह के नेतृत्व में रैली प्रारंभ हुई। उक्त रैली का समापन वापस कलेक्ट्रेट कार्यालय लौटकर हुआ। रैली के सहभागियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए तथा कलेक्टर ने सभी प्रतिभागियों, पुलिस प्रशासन व मीडिया का आभार माना। लेकिन इस रैली में एक बड़ी लापरवाही भी नजर आई। साइकिल यात्रियों को जो साइकिल उपलब्ध कराई गई थी उसमें कई टूटी फूटी थी, जो किसी हादसे की वजह बन सकती थी। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो 75 किलोमीटर या 75 साइकिल आए हुए हैं, आप साइकिल चला के आए, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं हर घर तिरंगा के विषय में? हर घर तिरंगा अभियान, अंकुर अभियान और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने आज 75 किलोमीटर की राइड पे 75 हमारे राइडर्स के साथ हम लोग निकले हैं और हम लोग ने 75 तिरंगे और 75 प्लांटेशन किए हैं। इससे हमारा बस यही एक संदेश है कि इस महाअभियान में सभी लोग आगे आए और इसमें हर नागरिक जुड़े और उसमें जो भी बढ़ चढ़ के कर सकते हैं बिल्कुल करें। सर, आप UIDM हैं, सर युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए और बाकी सबके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के साथ अपने पर्यावरण का भी ध्यान देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और उसके साथ हम राष्ट्र के लिए जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो तिरंगा अभियान में पार्टिसिपेट करके सांकेतिक रूप से हम वो भी दर्शाते हैं, परंतु पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए। सर, अपर कलेक्टर ने तो मेहनत दिखाई लेकिन प्रशासन ने लापरवाही दिखाई। जो आपने देखा होगा अभी कि रास्ते पर आपको गाय मिली, रास्ते पर आप लोगों को परेशानी आई साइकिल चलाने के दौरान, तो इस विषय में कोई प्लानिंग पहले से नहीं की गई थी आपके द्वारा? प्लानिंग की थी, कुछ मवेशी हम लोगों को रास्ते में रहते हैं उनको हमारी टीम ने अच्छे से वहाँ पे सेटल किया है और ऐसा कोई दिक्कत हमको अभी नहीं आई। नगर पालिका द्वारा जो साइकिलें किराए पर लेके आए उनमें कई जगह वेल्डिंगें हो रही थी। अगर कोई घटना दुर्घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ऐसे कोई साइकिल हमारे उसमें नहीं थी। अगर सर, मैंने रात को नगर पालिका जाकर भी देखा था, उनमें बेल्डिंगे थी कई साइकिल। हमने कोई आदेश ऐसा नहीं दिया, जो भी नगर पालिका ने दिया हमारा आदेश। ठीक, जो महोत्सव मनाया है जैसे कि हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में मनाया जाना है, तो उसके परिवेश में जन जागरूकता रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने आज साइकिल रैली आज ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें गुना से लेकर केदारधाम तक और फिर केदारधाम से वापस गुना तक आज प्लान किया है। 75 किलोमीटर्स प्लान किया है, 75 लोगों के साथ 75 प्लांटेशन यहाँ पर किया है हम लोगों ने। एंड इसमें बढ़िया बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर प्रशासन की टीम, SP साहब की टीम, फॉरेस्ट की टीम, उसके साथ लोग पब्लिक से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके कारण अच्छा एक मैसेज जा रहा है, हर गांव से जो गुजरते हुए हैं आ रहे हैं वहां पर भी हर मैसेज हम लोग देते हुए आ रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान में ज़रूर पार्टिसिपेट किया। उसके साथ साथ अंकुर अभियान के अंतर्गत हम लोग प्लांटेशन भी कर रहे हैं, तो लगातार गुना अच्छी तरह से प्लांटेशन में काम कर रहा है, तो आज यहां पर भी हमने 75 प्लांटेशन किया है। एंड होप करते हैं कि ये मैसेज हर घर में पहुँचे। गुना से खबर समय जगत के लिए संतोष ओझा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.